जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं अली रज़ा चैनल पीके अपडेट के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पीके अपडेट को सब्सक्राइब नहीं किया आज इसे काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। जैसा कि आपको मालूम है गुजरांवाला में काफ़ी हद तक जानवर जो है बछड़े हैं आ गए हुए हैं। इस वक्त हम बोर्ड ऑफिस के सामने अपने एक भाई के पास आए हुए हैं जिनके पास बहुत ही खूबसूरत बछड़े हैं। हम आपको इनसे पूछ कर बताते हैं अपने जो से जानवर हैं किस रेट पर सेल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। की नाम है सर जी अपना? मोहम्मद ताहर। मोहम्मद ताहर सर जी, आज से आप देखो दूसरे शहर में से आए हुए? साहिवाल तो आए हैं। साहिवाल तो जी आए हुए जी थे माशा अपने जानवर लेकर सेल करने आए हुए। किसी को कम कर देते? किसी को कम करना है जी। कोई कैटल फार्म है? कैटल फार्म है जी। की इतना कैटल फार्म का नाम है आपका जी? हाजी दिलदार गंडा कैटल फार्म। दिलदार कैटल फार्म जी। दिलदार तो माशाल्लाह फिर पीछे फार्म है तो जी को फार्म जानवर ले आगे अपने से सेल कर दे जी। सही है तो माशाल्लाह सर जी आज हम थोड़े को केड़ी केड़ी नस्ल के जानवर जी? साहिवाल भी है, वलैती भी है और धनी के भी हैं। सही है जी। अपना जानवर है केड़ी नस्ल का जानवर जी? साहिवाल का। साहिवाल नस्ल का जानवर जी। सर जी मुंह की है जी? है दोंदा। दोंदा है सर जी। की डिमांड करते हो जी? 130 है जी। 130 की डिमांड करते जी। ते मुंह दोंदा जानवर है जी। ते साहिवाल नस्ल का जी। खाना खाना फुल फार्म करके की लग जाएगा? 120 लग जाएगा जी। ते सर जी जो काफी कुछ है कितना निकल आएगा जी? ये तकरीबन निकल आएगा 3.5 मन। 3.5 मन जी। सही है। ते सर जी जेड़ा अपना साथ वाला बछड़ा है जी, इसका मांग रहे हैं 120। 120 मांग रहे हैं जी। सही है। और मुंह से ये भी दोंदा है जी? ये भी दोंदा है। सर जी इस वक्त जो आपके पास भी मौजूद है वो ज्यादातर दोंदे हैं कि चोके छिगे भी रखे हैं? नहीं दोंदे हैं, सब दोंदे हैं। सब दोंदे ही हैं? सब दोंदे हैं। तो सर जी जो अपना पीछे दिलदार कैटल फार्म है जी, वहाँ पे बड़े जानवर भी हैं कि इसे कद काट के? इस कद काट जी। सही है। तो सर जी अपना कोई बच्चा वगैरह लाकर पालते हैं उसे के मंडियों से जानवर बड़े लाते हैं? मंडियों से बड़े लेकर आते? बड़े लाकर ईद के दिनों में उन्हें सेल करते जी। सही है। तो सर जी जानवर की क्या डिमांड कर रहे हैं जी? इसकी 120 कर रहे हैं। 120 डिमांड कर रहे हैं। और फाइनल जी इसे 110 है। सही है। तो सर जी अपना इधर डेरा कितने दिनों से आपने लगाया हुआ जी? हमारा इधर डेरा तक 10 दिन हो गए हैं। 10 दिन हो गए हैं जी। तो इन 10 दिनों में माशाल्लाह आपने कितने जानवर सेल? नहीं सेल हुए अभी, रेट लगने बस जी। मतलब अभी जो लोग खरीदार जो से हैं वो आते हैं रेट वगैरह पूछ कर चले जाते हैं जी। मतलब अभी अंदाजा लगा रहे हैं कि किस रेट पर मंडियों में जानवर सेल हो जी जी। सही है जी। अपना ये जो जहाँ डेरा लगा हुआ है ये जगह अपनी है रेंट पे है जी? अपनी हमने मतलब रेंट वगैरह पे कोई नहीं करना पड़ा? नहीं पे। सही है। तो सर जी जो से अपने जो से ये जानवर है सर ये तकरीबन ये वाले तो एक हद काट के नहीं सब जी के थोड़ा बहुत फर्क है इनमें? नहीं इनमें फर्क है, ये सब वैसे बराबर है। ये सब बराबर है जी। ये बड़े हैं वैसे जी? ये बड़े हैं। तो सर इस जानवर की क्या डिमांड कर रहे हैं जी? इसके 45 है। 1.45 सर? 1.20 फाइनल? 1.20 फाइनल है जी। सर इसमें जो है काफी कुछ कितने तक के निकलने के चांसेस हैं जी? इसका तकरीबन निकल आएगा 3.25 मन। 3.25 मन जी जी निकल आएगा जी। सर जी जो से मतलब ये सारे फिर आपके पास 1.20 के रेंज के अराउंड जी जी जी। सही है। सर जी जो से अपने आपके अगले जो से बड़े जानवर जरा हमें उनके बारे में बता दें ताकि हमारे नाजरीन को अंदाजा हो कि जो से बड़े जानवर हैं उनके मंडी में क्या रेट चल रहे हैं जी। नाजरीन ये दिलदार कैटल फार्म के जानवर हैं, इस वक्त बोर्ड ऑफिस मेन बोर्ड ऑफिस जो गुजरना वाला है पिंडी बाईपास पे उनके सामने इनका ये इस वक्त डेरा लगा हुआ है। सर जी ये जो सा माशाल्लाह जानवर है जी, इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं जी? इसकी 160 कर रहे हैं। 160 जी। 1,60,000 जी। और मुझे ये भी सब धोंदे हैं? ये सब धोंदे हैं। इसका फाइनल क्या लगा? 1.5 लाख। 1.5 लाख जी। तो सर जी मुझे धोंदे हैं और काफी गोश्त कितना निकला है अंदाजा? इसका काफी गोश्त है 4.5 मन। 4.5 मन जी। सही है। तो सर जी जो आपके पास खरीदारी के लिए आते हैं जी क्या क्या रेट लगा कर जा रहे हैं जानवर? वो अभी पूरा नहीं लगा रहे कि कम लगा रहे, ये इनके पूछ के चले जाते हैं। जैसे कि आपने इसका 1.5 लाख में फाइनल देना है जी? फाइनल देना है। तो वो इस जानवर का क्या रेट लगा कर जा रहे? वो इसका जे लेगा 1,10-15 ये लगा 1,10-15 मतलब पिछले साल वाले जो रेट है वो लगा वो लगा रहे हैं। सही है। तो इस दफा रेट ज्यादा होने की क्या वजह है? इनके चारे वगैरह पर खर्चा जी बहुत ज्यादा हो रहा है, मार रोका हुआ है? नहीं नहीं पीछे चारा भी और पीछे से भी अभी सस्ते नहीं मिल रहे, महंगे मिल रहे हैं। पीछे से जानवर महंगे मिल रहे जी? महंगे मिल रहे हैं। सही है। पिछली दफा से इस दफा थोड़ा इसलिए कि वो पिछली दफा जो पिछली दफा भी महंगाई थी उन्होंने अभी इसी तरह देख के इस दफा फिर वैसे महंगाई कर दी है, ज्यादा कर दी है जी। तो सर जी अपने जो आप जानवर कौन से मंडियों वगैरह से लाते हैं जी? हम साहिवाल से लेकर आते हैं, फिर मुल्तान से, फिर लुडन से जी, मुख्तलिफ शहरों से जी, अच्छे लेकर आते हैं, खूबसूरत लेकर आते हैं जी। तो सर जी आपके जो कैटल फार्म में सब एक कद काट के जी? एक कद काट के आपके पास जो है सबसे हैवी जानवर कितनी रेंज तक जी? वो सामने खड़ा है जी नाजरीन, उसके बारे में भी जरा हमें बता दें
सर जी ये सब सील जानवर है, कोई अथरे वगैरह तो नहीं है? नहीं 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 जी सर, हमने मैंने खुद पाले हैं, हमने खुद पाले हैं, कोई अथरे वगैरह नहीं जी। एक साल हो गया इसको, हम इनकी देखभाल करते हैं, देखभाल कर रहे हैं हम, खुद कर रहे हैं। इस जोड़ी की क्या डिमांड है जी? इसकी 180 है। 180 जी, 180,000 है जी, सिंगल का। ठीक है जी। तो फाइनल फाइनल 170 है। 170 फाइनल, उसका फाइनल कितना लग जाएगा? वो है 170 का, उसका जी वो फाइनल लग जाएगा 155 का। वो 155 का फाइनल लग जाएगा। सब धोंदे हैं। सही है जी। सर जी अपना कोई नंबर शंबर बताने, ताकि हमारे किसी भाई ने रब्ता करना हो तो आपसे रब्ता करते। 0347 0347 44 44 89 89 188 188। जी सर जी अपना पक्का डेरा अभी इधर ही है जी? अभी इधर रोड वगैरह पर तो नहीं अपने आगे कहीं लेके फिरते वगैरह? नो नो नहीं नहीं, इधर ही बैठे जी, इधर ही बैठते हैं। इस जगह आपके इस वक्त डेरा लगा हुआ है जी, ये जरा एड्रेस का बताने ताकि लोगों को यहाँ पहुँचने में आसानी होती है। जी नजदीक हमारा दिलदार कंडा और नजदीक है गिफ्ट यूनिवर्सिटी, गिफ्ट यूनिवर्सिटी साथ में बोर्ड दफ्तर है, बोर्ड दफ्तर है जी जी। जी नाज़रीन जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा, ये माशाल्लाह कितने ही खूबसूरत जानवर हैं, और इनके पास एक जो से वो उस तरफ जानवर हैं वो 120 के फाइनल हैं, और 3.5-3 मान उनका कहना है कि इनमें से जो साफ़ी गोशा निकल आएगा, और ये वाले जो से जानवर हैं इनमें से 4.5-5 मन के करीब इनका कहना है, तो तकरीबन 4.5-4 मन कह रहे हैं कि साफ़ी गोशा जो सा निकल आएगा। और इनके पास 150 से लेकर 170 की रेंज के ये जानवर मौजूद हैं। इनका नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब हमें इजाज़त दें, शुक्रिया।